कैलकुलेटर ट्रिक सीख जाओगे तो आप फटाफट से एकदम रेडी हो जाओगे। तो 100 लिखा मैंने सबसे पहले, ठीक है, रूट का बटन कितनी बार, 15 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, माइनस कर दिया 1, डिवाइड करा दिया बाबा जी के नंबर से 0000702074 से, हमारा आंसर आ गया देख लो पूरा का पूरा 2, मल्टीप्लाई इक्वल टू फिर 15 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, आंसर देख लो 99.99। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग, आई होप मस्त है, शानदार हैं और जबरदस्त हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कुछ एक ऐसी चीजों की, कुछ ऐसी चीज सिखाने जा रहे हैं जो आपको हेल्प देगी एग्जाम में फोड़ने के लिए। यस, हमें बताया कि भाई पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथ्स LR एंड स्टैट्स के पेपर के अंदर में हमें तैयारी करनी होती है इस प्रकार से कि हम फटाफट आंसर दे पाएं और हमारे आंसर एकदम सही होने चाहिए। तो फटाफट आंसर देने का तरीका क्या होता है, वो है आपका ब्रह्मास्त्र की ट्रिक, जिसको हम कैलकुलेटर बोलते हैं। कैलकुलेटर ट्रिक सीख जाओगे तो आप फटाफट से एकदम रेडी हो जाओगे। तो भैया जी, पहली ट्रिक हम फर्स्ट चैप्टर की सिखाने जा रहे हैं, दैट इज ऑफ इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। इंडाइसिस और लॉगरिथम में बनती हैं चार ट्रिक, चारों के चारों आज कवर कर लेंगे। पहली है पावर निकालने की, जिसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स की कैसे हम जो निकालते हैं, इंडेक्स कैसे निकालते हैं किसी नंबर का, ये सीखेंगे। फिर रूट निकालने की ट्रिक, इंडेक्स क्या होता है, जैसे 2 की पावर 3 हो गया ना, तो इसको इंडेक्स या पावर बोलते हैं। रूट निकालने की, भाई 3 की पावर 1/5 निकालना, कैलकुलेटर में कोई बटन नहीं होता 1/5 पावर निकालने का, कैसे निकालेंगे उसकी ट्रिक है वो सीखेंगे। लॉग कैसे निकालते हैं, ओ माई गॉड, लॉग तो भैया परेशान करता है, लॉग 200 निकालना है तो क्या आंसर आएगा, ठीक है। एंटी लॉगरिथम, मैंने लॉग निकाल लिया, कुछ वैल्यू आ गई है, मान लो जी यहां से कुछ भी वैल्यू आ गई है 2.301 है ना, सो यहां से वापस रिवर्स अगर मान लो ये मुझे पता है तो इसका एंटी लॉग लेकर मैं आंसर अगर निकालूंगा तो मेरा 200 आ जाएगा। ये कैसे करते हैं कैलकुलेटर से हम सीखने वाले हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत पता है, तभी मजा आएगा। चलिए, सबसे पहले अगर मुझे किसी भी नंबर की पावर निकालनी हो या इंडेक्स निकालना हो तो बहुत सिंपल ट्रिक है भाई। कैलकुलेटर दिख रहा है आपको, मैं ये वाला कैलकुलेटर ही यूज कर रहा हूँ तो इसकी फोटो लगाई है, आपके पास सिमिलर कैलकुलेटर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि यही कैलकुलेटर हो, ऑर्पेट का भी आता है, सिटीजन का भी आता है, मॉडल भी अलग अलग आते हैं, बट मोटा मोटा क्या है भाई, ये सारे बटन्स होने चाहिए कैलकुलेटर में, एम प्लस एम माइनस एम आर सी का, ग्रैंड टोटल हो जाए तो सोने पे सुहागा है, ये सारे तो होते ही हैं सब में, ठीक है ना। क्लियर का, ऑल क्लियर का, रूट का बटन है, ये रूट का बटन है, प्लस माइनस और आपका इरेज का बटन, ठीक है ना, बैक स्पेस का बटन हो जाए बहुत अच्छी बात है, एक आधा बटन कम लग रहा है चलेगा, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर मत ले लेना कि सर उसमें तो सारे बटन होते हैं, एग्जाम में अलाउड नहीं है, यस ये कैलकुलेटर लेना है अपने को। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे लेट सपोज 2 की पावर 7 निकालना है, तो भाई 2 की पावर 7 निकालने के लिए स्टेप्स क्या हैं, कह रहे सबसे पहले आप 2 को लिख दो, फिर आप मल्टीप्लाई का बटन दबा दो, फिर आप इक्वल टू प्रेस करते रहो, इक्वल टू प्रेस करते रहो 7 से 1 कम 6 बार, ठीक है, आपका आंसर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। बट सर अगर मेरे को इक्वल टू काउंट ना करने हो तो कोई तरीका है, हाँ तरीका है, देखो आपका आंसर यहां दिखता है और यहां आते हैं आपके स्टेप्स, तो अगर आप 0 से स्टेप शुरू कर रहे हो तो ये 7 से 1 बड़ा स्टेप आपको यहां दिख जाएगा, तो समझ लेना आपका आंसर आ गया है। जैसे कि दिखाते हैं, मैंने 2 into पहले क्लियर किया, ऑल क्लियर किया, तो 2 into इक्वल टू प्रेस किया, 7 से 1 बड़ा नंबर मुझे यहां पे दिखना चाहिए छोटे वाला, देखो दिख रहा है, यस जैसे दिखा तो मेरा आंसर कितना आ गया 128, यही इसका आंसर होता है। या तो मैं काउंट कर सकता था कि भाई मैंने 2 मल्टीप्लाई और 6 बार इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट इसमें गलती हो सकती है, तो हमने बोला कि ऐसा ना करके आप स्टेप्स को देख लो। तो अगर सिमिलरली एक और करके दिखाता हूँ, 3 की पावर 9 निकालना है मुझे, ठीक है, तो क्या होगा जी, 3 मल्टीप्लाई इक्वल टू प्रेस करेंगे, कब तक, जब तक मुझे यहाँ पर ये छोटा नंबर 9 से 1 बड़ा 10 ना दिख जाए। तो देखो भाई, पहले ऑल क्लियर किया, 3 मल्टीप्लाई इक्वल टू प्रेस करता गया जब तक 10 ना दिख जाए मुझे, तो मेरा आंसर आ गया है जी 19683, ठीक है, सिंपल गजब ट्रिक है, यस 19683, तो ये हो गया। चलो अब मुझे फटाफट से आप बताओ 7 की पावर 6 कितना होगा, जल्दी से इसी ट्रिक से सॉल्व करके मुझे कमेंट करके बताओ, कमेंट में बताओ फटाफट से क्या आएगा यहाँ पर। ये हो गई हमारी पहली ट्रिक, विच इज द वन ऑफ द इजीएस्ट ट्रिक। सेकंड ट्रिक, रूट निकालना। तो भाई अगर मुझे रूट 2 निकालना हो तो ये तो बहुत ईजी है,
2 लिखेंगे एंड उसके बाद रूट का बटन दबाएंगे, है ना, एंड रूट का बटन दबाएंगे, है ना। तो 2 लिखा, रूट का बटन दबाया, तो आंसर आ गया जी 1.414। ये तो बहुत ईजी है। बट अगर मान लो मुझे 32 की 7th पावर निकालनी, अच्छा 5th पावर निकालनी है, मुझे आंसर पता है इसका 2 होता है, बट कैलकुलेटर पे कैसे करूंगा? मान लो 32 की जगह यहाँ पे कुछ और नंबर हो जाता, 30 हो जाता, 37 हो जाता, कुछ और हो जाता, तो भी सेम तरीका है। 32 का आंसर हमें पता है 2 आता है, तो इससे मैं एक बार ट्राई करा रहा हूँ, फिर एक दो ऐसे रैंडम कराऊंगा। तो भैया स्टेप लिख लो, स्टेप्स हैं इसके। स्टेप 1, ठीक है, नंबर डालने के बाद में आप रूट का बटन, रूट का जो बटन है प्रेस करेंगे 4-12 टाइम्स, पहला स्टेप है, ठीक है, नंबर के बाद में ये काम करना है, रूट का बटन 4-12 टाइम्स, ओके। स्टेप 2, स्टेप 2, पहला स्टेप ये हो गया, फिर सेकंड स्टेप है आपका, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी आएगा उसमें से, जो भी आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। स्टेप 3, स्टेप 3 है आपका, आप जो भी आपका रूट है, जैसे 5th रूट है, मान लीजिए आपका a की पावर 1/n है, तो nth रूट हो गया, तो आप n से डिवाइड करा देंगे, डिवाइड बाय n, आप ये काम कर देंगे, एंड देन वापस से जो सब्ट्रैक्ट किया था 1 उसको ऐड कर देंगे। और आखिरी काम है आपका प्रेस मल्टीप्लाई इक्वल टू बटन 4-12 टाइम्स, ठीक है। अब कोई बंदा यहां पे 12 बार करता है, कोई बार जितने बार यहां होगा इतनी बार यहां होगा, कोई 12 बार करेगा तो यहां भी 12 बार, कोई 9 बार करेगा तो 9 बार, 15 बार करेगा तो 15 बार, बट मैं 12 लेके चलता हूं, मेरा आंसर ऑलमोस्ट जितना आना चाहिए उतना ही आता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे करते हैं, तो हमने किया जी 32 प्रेस किया, फिर रूट का बटन कितनी बार, 12 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 काउंट करना पड़ेगा, माइनस 1 किया, देन मैंने डिवाइड कराना है इस 5 से, डिवाइड कराया 5 से, देन मैंने वापस से ऐड करना है 1 को, एंड मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, मेरा आंसर आ रहा है 2.0004 विच इज अप्रोक्सीमेटली 2, यही आना चाहिए था, यस। सिमिलरली एक और मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप करिएगा। मैंने सिमिलर टाइप का ले लिया नंबर 35 की पावर 1/4, अब इसका आंसर तो कैलकुलेटर के अलावा निकाल भी नहीं पाओगे आप, है ना, 35 की पावर 1/4, तो हम इसी स्टेप से चलेंगे। 35 तो प्रेस किया, फिर मैंने रूट का बटन 12 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, फिर मैंने क्या किया, माइनस किया 1, एंड देन मैंने डिवाइड करा दिया इस 4 से, फिर मैंने वापस से ऐड कर दिया 1 को, एंड मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, मेरा आंसर आ रहा है 2.433, इतना ही आना चाहिए था, इतना ही आना चाहिए था, ठीक है। तो आप कोई भी आंसर निकाल सकते हैं, आप कोई भी आंसर निकाल सकते हैं, तो मुझे फटाफट से आप करके दिखाइए। अगर मैं आपको एक नंबर देता हूँ 27 की पावर 1/5 कितना होता है, जल्दी से मुझे आप कमेंट में बताइए, जल्दी से आप मुझे कमेंट में बताइए क्या आंसर आ रहा है, कमेंट करिए जी, यस कमेंट करिए। आइए नेक्स्ट ट्रिक, ये अपनी थी इंडेक्स की ट्रिक, अब बात करते हैं लॉग की, जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। लॉग, अब आपको निकालना आता होगा लॉग, तो आपको पता है जी लॉग 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। हाँ, इससे जो हम ट्रिक सिखा रहे हैं दैट ट्रिक इज ओनली एप्लीकेबल फॉर बेस 10, हाँ, बट हमारे को तो मेन काम इसी से ही है, हम बेस 10 से कर सकते हैं, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसको लेकर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको कि हाँ 100 से सॉल्व करूंगा तो आंसर 2 आएगा, फिर हम कोई भी वैल्यू का निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। चलिए जी स्टेप्स लिख लेते हैं, स्टेप्स लिखते हैं। तो पहला स्टेप है अपना नंबर लिखने का है, ठीक है, नंबर लिखा एन प्रेस किया रूट का बटन फॉर, प्रेस रूट फॉर 15 टाइम्स, ठीक है। अब लोग अलग अलग ट्रिक यूज करते हैं, इसमें मेरे को सबसे अच्छी ट्रिक यही लगती है, मैं इसलिए यही यूज करता हूँ। सब्ट्रैक्ट कर दो 1, स्टेप्स ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल से स्टेप है। अब आखिरी स्टेप है, अब यहाँ पे ना कोई बोलेगा मल्टीप्लाई करा दो, इजी नंबर आता है 1, 4, 2, 3, 0, बट उसमें आंसर अच्छा नहीं आता, मेरे को लगता है बेटर है इस नंबर से डिवाइड कराना, डिवाइड बाय 0.00007024। इसमें देखो जीरोस कितने सारे, 7, 2, 7, 4 नंबर तो सिंपल ही है, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। इसकी जगह आंसर ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करा सकते हो बाय 1, 4, 2, 3, 0।
बट इसमें आंसर ज्यादा अच्छा नहीं आता है, इसमें आंसर ज्यादा अच्छा नहीं आता, तो मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो आप चाहो तो इसको फॉलो कर लो, बस थोड़ा सा याद करना। ये बाबा जी किसने बहुत बड़ा वरदान दिया था हमको, तब जाके इस नंबर की हमने जो है घोषणा करी है कि भाई ये नंबर अच्छा नंबर है। तो आप चाहो तो इसको यूज कर लो, ठीक है जी, क्लियर है। आओ, सो चलिए अब हम इन स्टेप को फॉलो करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, फिर 15 बार रूट का बटन, ठीक है, 415 टाइम्स करेंगे। फिर हम क्या करेंगे जी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को, सब्ट्रैक्ट 1 कर देंगे जी। फिर हम क्या करने वाले हैं जी, हम डिवाइड कराएंगे जो भी आंसर आएगा 0.00007074 से। अलग अलग ट्रिक्स हैं, आप कौन सी चाहे यूज़ कर सकते हैं, मैं ये करूँगा, ठीक है। तो 100 लिखा मैंने सबसे पहले, ठीक है, रूट का बटन कितनी बार, 15 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। माइनस कर दिया 1, डिवाइड करा दिया बाबा जी के नंबर से 0.00007074 से, हमारा आंसर आ गया, देख लो, पूरा का पूरा 2, पूरा का पूरा 2 आ गया है। यस, यही हमें चाहिए था। बाकी किसी और मेथड से मल्टीप्लाई करा देता ना मैं इसको, तो मेरा 2.01 के आसपास आ जाता, यहाँ से 2.0000 फिर आगे कुछ आया है। तो दिस इज द बेस्ट ट्रिक, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है बच्चे कमेंट करेंगे अभी कि बहुत सारी सर और भी ट्रिक्स है, यस आई एग्री, मेरे को बेस्ट लगती है, इससे सिमिलर आपके पास और ट्रिक है कमेंट कर दो, ठीक है। चलो एक और लेते हैं, एक और लॉग की वैल्यू लेते हैं। लेट सपोज मुझे निकालना है लॉग 280 2873 का, बड़ा नंबर ले लेते हैं। चलिए कैसे करेंगे, वही स्टेप्स। स्टेप वन है क्या है जी, नंबर को लिखा और रूट का बटन 15 बार दबाओ जी। फिर क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस। फिर आखिरी क्या करेंगे जी, जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय 0.00007074 से करते हैं। आ जाओ 2873, रूट का बटन 15 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। माइनस किया 1, डिवाइड कराया 0.00007074, एक बार में तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा, 3.458। अब ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, ये भी बट नियरेस्ट होगा, मतलब आपका आंसर होगा 3.46 होगा तो 58 आया, इतना नियर होगा, दूसरे किसी मेथड से ज़्यादा अप्रोक्सीमेट आता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। यस, सो आप मुझे अब चलो फटाफट से निकाल के दिखाओ log of 93852 और मुझे कमेंट में आंसर बताओ, जल्दी जल्दी से करके दिखाओ, चलो फटाफट से मुझे करके दिखाओ, ओके। और मैं इसी के साथ आपको बताता हूँ आखिरी ट्रिक, हमारी आखिरी ट्रिक जिससे हम एंटी लॉगरिथम निकालते हैं। अगर मैं बोलता हूँ जी लॉग ऑफ 100 मेरा 2 होता है, तो एंटी लॉग अगर मैं 2 का ले लूँगा तो मुझे अंदर वाला नंबर मिल जाएगा। इस चीज़ को हम प्रूफ भी करेंगे विद द ट्रिक। ट्रिक बिल्कुल उल्टी है, कह रहे यहाँ जहाँ रूट का बटन है उसकी जगह में हम आखिरी स्टेप पे मल्टीप्लाई ऐड, सब्ट्रैक्ट की जगह में ऐड, डिवाइड की जगह में मल्टीप्लाई, तो सीधा स्टेप रिवर्स हो गए। स्टेप कैसे रिवर्स हो गए, देखो पहला स्टेप हो जाएगा हमारा क्या, देखो नंबर लिखा एंड मल्टीप्लाई का बटन दबाया और जो नंबर बाबा जी का दिया हुआ था उसको मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड, ठीक है। तो वहाँ सेकंड स्टेप में सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पर ऐड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा ऐड 1। लास्ट स्टेप के अंदर में क्या किया था, वहाँ पे रूट का बटन, तो यहाँ रूट का रिवर्स होता है मल्टीप्लाई इक्वल टू, तो प्रेस का बट कर दो मल्टीप्लाई इक्वल टू 415 टाइम्स, देखो आंसर क्या आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो 2 लिखा, फिर मल्टीप्लाई कराया बाबा जी के नंबर से 0.00007074 से, ठीक है, ऐड कर दिया है जी 1 एंड मल्टीप्लाई इक्वल टू फिर 15 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। आंसर देख लो 99.998, तो आंसर आ रहा मेरा एंटी लॉग 2 का, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया मेरा आंसर आ गया है 99.998, विच इज़ 100 ओनली ना बाबा। इतना सही आंसर किसी और मेथड से आ रहा है तो मुझे बताओ, आएगा आएगा, बट मुझे ये अच्छा लगता है, आएगा कोई बात नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है, ठीक है। चलो एक और नंबर करते हैं, मैं लॉग निकालना चाहता हूँ 700 का, कैसे आएगा, 7000 कर देते हैं, देखते हैं, सेम काम, एंटी लॉग, सॉरी एंटी लॉग निकालना है ना, तो एंटी लॉग निकालते हैं 30 का, 30 तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, हम थोड़ा कुछ नंबर छोटा लेते हैं, 3.3 लेते हैं, ठीक है, 3.3 का एंटी लॉग लेते हैं, छोटा नंबर, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, आंसर वरना बहुत बड़ा आ जाएगा।
पहला स्टेप क्या है, 3.3 को लिखना है सर जी। फिर क्या करना है, बाबा जी के नंबर से मल्टीप्लाई कराना है 70274, 0.0000 70274, ऐड करना है 1 और मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार, 15 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। मेरा आंसर आ रहा है 1994.51। आप जाके टेबल से चेक कर लो, सेम यही आएगा, ठीक है। तो क्या किया मैंने, 3.3 लिखा, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया है बाबा जी के नंबर के साथ में, कैलकुलेटर पे ये काम किया है जी। जो भी आंसर आया उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया है सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या किया है मैंने, प्रेस किया है मल्टीप्लाई इक्वल टू के बटन को 415 टाइम्स और मेरा आंसर आ गया है जो आना चाहिए था, ठीक है ना भाई, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो आप मुझे फटाफट से अब करके दिखाओ, एंटी लॉग ऑफ 7.3 से ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा, छोड़ो 1.7, चलो फटाफट से कमेंट में बताओ, फटाफट से कमेंट में बताओ। इसी के साथ हमारी कितनी ट्रिक कंप्लीट हो गई है भाई, 4 इंपॉर्टेंट ट्रिक जिससे आप बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ करने वाले हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर में यूज़ करोगे, प्रोबेबिलिटी प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज़ करोगे, और भी ना जाने कहीं कहीं जगह पर आती रहती है। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे और ऐसी ट्रिक के साथ में, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बचावाड़ी।